नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। और मैं सागर। साओजी न्यूज टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज पूरी दुनिया में कोरोना रूपी संकट छाया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हुए हैं और यह जरूरी भी है। फिर भी कोरोना के पेशेंट आज आप देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। आज जैसे हम देख रहे हैं, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने में व्यस्त हैं। बुलढाणा जिले के मलकापुर तहसील में एक अनोखी स्कूल है जिसका नाम है यशोधाम पब्लिक स्कूल। यशोधाम पब्लिक स्कूल में अनोखी बात क्या है? इस स्कूल के प्रिंसिपल रविशंकर सर ने घर बैठे पढ़ाई कैसे किए ये ऑनलाइन क्लासेस निकाले हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कई लोग यहाँ व्यापार करते हैं। आज सब तरफ केवल पैसों की ही अहमियत दी जाती है और ये ऑनलाइन क्लास सभी के लिए 100% फ्री है। ये ऑनलाइन क्लास सभी बच्चों को फ्री है पूरा दुनिया में। अभी यूट्यूब है ना, सभी बच्चों को नो फीस नथिंग, इसका फीस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे फीस भरने का जरूरत नहीं, खाली यशोधाम स्कूल का ही नहीं, दूसरी स्कूल्स का भी आ सकते हैं। सो मलकापुर, नागपुर, मुंबई, अमेरिका, कहीं भी बच्चे पढ़ना है, सुनना है तो ए यूट्यूब चैनल YPS रवि सर, यूट्यूब चैनल में जाओ, YPS रवि सर, मेरा चेहरा आपको दिखेंगे। सो उसमें आज तक जो भी वीडियोस, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस हुआ वो सभी उधर दिखेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो 11th स्टैंडर्ड तक सभी स्टूडेंट इस कार्यक्रम में सहभागी हो सकते हैं। ये क्लास 1 से 11वीं तक है, 11वीं तक है, 12वीं तक है। इसमें जनरल क्विजेस भी है, क्विज भी है, एंड डिबेट्स भी है, डिस्कशंस भी है, काउंसलिंग भी है, एंड पेरेंट्स के लिए भी है इसमें, राइट। क्लास 1 to 12 तक है। मेन सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, इंग्लिश इसमें चल रहा है। चलो हम देखते हैं यह ऑनलाइन क्लासेस कैसे होता है। नाउ दिस इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स एंड आंसर लिटिल लिटिल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन को आंसर खुद होके कैसे देना है ये प्रैक्टिस हम दोनों देंगे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रविशंकर। Please gradual exponent form of this given number. Okay, I am giving you 5 example for homework. First is 122, second 483, third example 664. This is I made already 100 place, 10th place and unit place. You have to put these numbers on their proper places. Okay, suppose 1, what is the place value of first number? It means 1's place value is 100. So you have to write this one number in 100 column. Okay, then second, what is the place value of 2? 10th place. Okay, then third, unit place. Like this you have to make this number and you have to do expanded form also. So जो भी ऑनलाइन का है आपके बच्चों का बाद में H लिखते हैं, H is 100th place, right? After this the fourth place is 1000. प्रोनाउंस करना है आपको, आना चाहिए, इसीलिए ये प्लेस का यूज है, आपको काम पे आ जाएंगे। अभी ये फोर डिजिट्स इसके प्लेस वैल्यू इसके नीचे लेकर आना है। अभी पहला लेफ्ट साइड नंबर जो है उसको यूनिट्स प्लेस में डालना है, एंड नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है उसको हम टेंथ प्लेस में डालना है। सो मेरा पास पेन है इसीलिए मैं इधर उधर ड्रैग कर सकता हूँ। तो और एक नंबर 7, 6, 5, 9। सो अभी 7 कौन सा प्लेस में है? 7 इज इन 1000th प्लेस, 6 इज इन 100th प्लेस, 5 इज इन 10th प्लेस एंड 9 इज इन यूनिट्स प्लेस। द वैल्यू ऑफ 7 इज 7000। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 1000. But the value of 7 is 7000. Now value of 6. Abhi 6 dono digits mein 100 hai. So value of 6 is 6 into 100, 650. So the value of 5 is 50 in this number, not in all the numbers. So numbers ka value, har ek ka value, place value ke hisab se their values will change.
My father's name whatever his job is, what job your father will do, you can write that. My father, he is a teacher, he is a farmer, he is a banker, he is a shopkeeper. My mother, my mother's name is, we all love each other. My family, is a happy family. I am studying in third class. I have a brother. If you don't have a brother, you will say, I have a sister. I have no brothers. I have no sisters. You have to send it to Babita Gaikwad, madam. Babita Gaikwad, please write your number in the chatting. Counting करना है. अभी ऐसा क्या है? एक दस है. ये single है, one है. अभी one है. अभी देखिए units place है ना? ये one है. So ऐसा इसको counting, counting करने के लिए छोटे बच्चों को काम पे आ जाएगा. सच में समय का सदुपयोग कैसे करें और अपना ज्ञान कैसे बढ़ाएं, इसकी प्रेरणा हमें इस क्लास से मिलती है. और एक खास बात, रोज शाम 7 बजे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक क्विज का प्रोग्राम भी होता है. यह बहुत ही मजेदार होता है. इसमें सिंगिंग, डांसिंग और जनरल नॉलेज से लेकर तक खाना बनाने तक सभी विषयों का इन्वॉल्वमेंट किया गया है. अभी बच्चों के लिए भी है एंड पेरेंट्स के लिए भी हमारा थोड़ा काउंसलिंग भी चलता है. सो हम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन भी रखे है, क्विज कॉम्पिटिशन भी है, डिबेट्स भी है. अभी घर का, अभी पहली बार सभी फादर्स घर पे बैठे है, फादर्स को हम हेल्पिंग करने के लिए बोल रहे हैं. एंड फादर्स भी एक दो फादर्स कुकिंग बना के या कुकिंग वीडियोस एंड बच्चों का सिंगिंग वीडियो, जो भी वीडियोस है कंस्ट्रक्टिवली टाइम यूज़ करना है. एंड पूरा फैमिलीज को हम ये लाइन पे हम दे रहे क्लास वन बच्चे कम से कम एक 20-25 वीडियोज़ मेरे पास आया है. छोटे छोटे बच्चे, उनका मम्मी ने शूट करेंगे, डैडी ने बाजू बैठेंगे. नहीं तो ऐसा बहुत सारा एक 25-30 वीडियोस मेरे पास आया है. सो ऐसे वीडियो शूटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज में हम फैमिलीज को, पूरा फैमिलीज को हम इन्वॉल्व किया है. यह सब तो हमें ज्ञात हुआ, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कैसा करें यह तो बताओ. आप YPS रवि सर यह YouTube चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए. या फिर आप ravishankar.online इस वेबसाइट पर भी इस प्रोग्राम का लाभ ले सकते हो. लेकिन एक बात बता दूं, रविशंकर सर वक्त के बहुत पाबंद है. नहीं तो यूट्यूब पर जब फुर्सत मिले तब देखेंगे. अभी तो टीवी पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम चालू है, यह उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलता. जो ऑनलाइन का समय दिया है उसी समय पर आपने यह प्रोग्राम देखना चाहिए. उसी ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान वो बच्चों की स्टडी भी लेते हैं और उनसे होमवर्क भी करा लेते हैं, यह उनकी विशेषता है. मतलब यह कि कोरोना ने हमें जो अपने घर में बिठाया है, तो समय का सदुपयोग कैसा करें यह सीख रविशंकर सर ने हमें दी है. अभी बच्चे भी घर पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, नहीं तो सीरियल्स देख रहे हैं. सीरियल्स भी बंद हो गया. अभी पुराना मूवीज दिखा रहे हैं, महाभारत, रामायण, सभी देख रहे हैं. इसलिए बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है. इसलिए वो टीवी के ऊपर नहीं जाने के लिए हम उनका माइंड पढ़ाई के ऊपर लाने के लिए हमारा ये कोशिश है. हमारा कोशिश में हम सक्सेसफुल है. आशा करते हैं कि हमारा यह अनोखा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. हम जल्दी आपके सामने लाएंगे और ऐसी ही कोई एक अनोखी कहानी. तब तक के लिए अलविदा.